शुरू करना था टेक्स्ट, लेकिन टेक्स्ट से पहले आप कुछ कुछ मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें इकबाल को या खुदी को पढ़ने के लिए या अलामा को पढ़ने के लिए क्या चीज़ें आपके जो हैं वो जहन में होनी चाहिए, यानी कि आप वो अलामा को एक एज़ आम शायर के तौर के ऊपर जो है उनके उस तरह वो नहीं वो पढ़ सकते, वो आपको देर आर सर्टन थिंग्स जिसको आपको बुनियाद बनाना पड़ेगा उनको समझने के लिए। और ये मे भी ये मैंने जो भी एक जल्दी में जो नोट बनाए हैं उसमें कि असरार खुदी या लामा को पढ़ने का जो है वो तरीका क्या है, ठीक है ना। तो पहली चीज़ जो है कि वो एक वो शायर हैं और उनकी शायरी जो है उसके अंदर मकसदियत है, अगर आप वो मकसदियत इसमें नहीं समझ सकेंगे तो फिर आपको वो समझ में नहीं आएगी वो शायरी उनकी। बहुत सारी बातें ये जो मुहर्रक जो वजूहात जो बनी वो तो शुरू में मेरे ख्याल में आपके लेक्चर्स में वो हो चुकी है बात, वो पॉलिटिकल डाउनफॉल मुसलमानों का और वजूहात मुसलमानों की तबाही की, तो शायरी को आप उनको वो देखें तो वो एक जगह पे ये कहते हैं कि फितरत शायर सरापा जुस्त जूस्त, यानी कि उस शायरी की जो वो खसूसियात या वो एट्रीब्यूट्स जो बता रहे हैं, यानी कि आप खैर इसको जस्तजू ही रहने दें, जस्तजू अस्त यानी कि जस्तजू है, तो एक चीज़ तो जो है उसके अंदर है वो जस्तजू, जो कि जस्तजू क्या है खालिक, ये इसका जो क्लियर है ना कि फितरत शायर की जो फितरत है वो जस्तजू उसके अंदर इनबिल्ट होती है। अब ये वो शायर है जिसके अंदर मकसदियत है, समझ रहे हैं ना, कि इस चीज़ को आपने जहन में रखना है और फिर वो अलामा बयान करेंगे कि शायरी कौन सी सही है और कौन सी जो है वो आपको गलत डायरेक्शन में भी लेके जा सकती है। वो खाले को परवरदिगारे आरजूस्त, कि ये जो फितरत है शायर की वो खालिक है और परवरदिगार यानी कि पालने वाली किस चीज़ की है, वो आरजू आपके दिल में पैदा करता है। आरजू सही भी हो सकती है, अगर आप ऐसी कोई शायरी सुने तो वो मकसद कहने का जो है मतलब कि गड्डी मैं ले आसां ते तेल तू पुआ दे, तो वो एक और किस्म की आरजू जो है आपके अंदर पैदा कर देगा, लेकिन अलामा की जो है वो एक आरजू जो है वो एक हायर लेवल के ऊपर लेके जाती है। तो शायर अंदर सीना ये मिल्लत चू दिल, अलामा की नज़र में जो शायर है वो सीनाए मिल्लत में क्या है, दिल है, दिल के बगैर यानी कि कोई भी बदन का अज्जा चल ही नहीं सकता, मतलब कि दिल के बगैर सारा जिस्म जो है वो मर जाता है, वो ठीक है ना, वो ऐसा वो ऑर्गन है हार्ट, एंड मिल्लती भी शायरी अंबार गिल, और एक ऐसी मिल्लत जिसके अंदर वो ये वाली जस्तजू आरजू पैदा करने वाली शायरी ना हो वो क्या है, एक अंबार है ढेर है गिल का, किसका, मिट्टी का, यानी कि दिल ही ऐसी चीज़ है जो आपको इंसान बनाता है, आपको आप उसकी अगर डायरेक्शन गलत कर दें तो आपको मतलब कोई हैवान भी बना देगा, बट ये चीज़ जहन में रखें कि ये जस्तजू आरजू ये दिल
ये जो वो बात हारिस कर रहा था उस वक़्त कि ये सारी की सारी जो है वो स्पिरिचुअलिटी से लिंक कर देते हैं खुद ही को, वो ऐसी बात नहीं है। वो आपको देखेंगे कि वो आगे पूरी आपको कुव्वत तख्लीक की तरफ लेके जाती है ये चीज़। फिर वो कहते हैं कि सूज व मस्ती नक्श बंदे आलमीस्त, और क्या चीज़ होती है उसके अंदर, वो क्या करता है शायर, सूज व मस्ती पैदा करता है कौम के अंदर। ये क्या है सूज व मस्ती? लाइफ, आपको जिंदा किस तरह रहना है वो आपको सिखाता है वो। और अगर शायरी के अंदर सोजो मस्ती नहीं है तो फिर क्या है वो? शायरी अलामा कहते हैं वो मातम है, और मातम जो है वो आपको मायूसी और यानी कि ख़त्म कर देता है आपको, ग्रीफ जो है वो आपको ख़त्म कर देती है इंसान को। अगर आपकी ज़िंदगी में ग्रीफ, जिसको हम वो कहते हैं गम और हुज़्न, अगर ये टेक ओवर कर ले आपको तो यू आर फिनिश्ड। बिकॉज ये चीज़ क्या ख़त्म करती है आपके अंदर? ये क्रिएटिविटी ख़त्म करती है, और ये सोज़ो मस्ती भी ख़त्म करती है, आरज़ू भी ख़त्म करती है, जुस्तजू भी ख़त्म करती है, और ये सारा का सारा जो है आपका दिल ख़त्म होता है। जब फ़र्द का दिल ख़त्म होता है और मिल्लत का दिल ख़त्म हो जाता है तो वो कौमें पे मुर्दा होती है। शायर जो है वो आपको वो विजन वो देते हैं, जो कहते हैं अल्लामा कहते हैं वेयर देयर इज़ नो विजन नेशंस पेरिश। अल्लामा का ये शेर है, शेर रा अगर मकसूद आदम गरीस, अगर शायरी का शेर का मकसद ये है कि वो इंसान की तामीर करे, मिल्लत की तामीर करे, तो फिर शायरी जो है वो क्या है? कि शायरी हम वारिस पैगंबरी अस्त, कि जो शायरी है वो फिर पैगंबरों की वारिस है। पैगंबर क्या करते हैं? तो ये चीज़ का आपको एक तो रखे कि मकसद दियत अलामा की जो है वो शायरी की क्या है, वो आदम गरी है। अच्छा, आदम गरी इस लाइक, ये तो एक इंडिविजुअल की बात हो रही है ना, बट एक प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल ये है कि ये आप ध्यान रखें, वो अलामा कहते हैं वॉट एवर इज एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल और इज राइट फॉर द इंडिविजुअल इज ऑल्सो करेक्ट और एप्लीकेबल टू द नेशन। प्रिंसिपल जो है शख्सियत साजी का, वो चाहे इंडिविजुअल का हो या कम्युनिटी का हो, आदमगरी इस फॉर्म में होती है। आप देखें कि ये क्योंकि इंडिविजुअल को पर्टेन करती है सरारे खुदी, और उसके बाद जो है वो रमूज़े बेखुदी वो आपको बताती है कि मिल्लत के अंदर आपने उसकी किस तरह तामीर करनी है आपने, और किन बुनियादों के ऊपर आपने जो है वो करनी है उसका। अच्छा, ये अलामा का वो एक वो शेर भी है ना, अगर सीना रोशन हो तो सुखन ऐन हयात, हो ना रोशन तो सुखन मर्गे दवाम ऐसा की,
कि जिस शायर का सीना क्या रोशन, खुदा के नूर से इश्क रसूल से रोशन हो, तो वो जो है उसकी जो पैगाम है, उसकी जो शायरी है, वो बिल्कुल ऐन ज़िंदगी के मुताबिक आपके अंदर ज़िंदगी की तपिश पैदा करेगी। और अगर उसका जो है वो सीना जो है वो उस नूर से कटा हुआ है, तो फिर वो आपके लिए वो मौत के मुतरादिफ होगा वो पैगाम। और इसका जो है वो अलामा एक जगह पर मिसाल भी देते हैं एक शायर की, और वो कहते हैं कि हुस्न बयां और वगैरह जो है वो ये रिकन्स्ट्रक्शन में आप मेरे ख्याल वो पढ़ेंगे किसी स्टेज पे, या पता नहीं शायद पढ़ा आपने, कि जिसमें वो कहते हैं कि एक वो शायर है तो वो कहता है कि यही इश्क की जो है वो बात करता है, और उसके ऊपर तो वो उस शेर होना चाहिए था जहन में ना, उसको कौन सा आपको तब ज़्यादा समझ में आती, तो उसमें वो पैगाम देता है कि यानी कि वो कंपेयर करता है कि जहाद के अंदर मरना जो है वो बेहतर है कि खुदा के हाथ से मरना बेहतर है, एक काफिर के हाथ से मरना बेहतर है या खुदा के हाथ से मरना बेहतर है। यानी कि वो कह रहा है कि खुदा के हाथ से ही मरना बेहतर है और काफिर के हाथ से मरना हुआ जो है वो बेहतर नहीं है। यानी कि इसके अंदर जो छुपा हुआ जो डैमेज है वो ये है कि आपको वो जिहाद करने के ख़िलाफ़ आपको बयान कर रहा है। आपको अगर चॉइस हो, ये वो शहादत तो होती ही काफिर के हाथों, खुदा का मारा हुआ तो रोज़ मरते हैं, उसको आप शहीद तो नहीं कहते, मौत आ गई है, टाइम ख़त्म हो गया आपका, शहीद वही है जो कि उस रास्ते में मरा। नहीं, ये किसी और का शेर है, रुबाई है किसी की, ये इसकी आई थिंक उसमें शायद हो मौजूद रिकन्स्ट्रक्शन में उन्होंने कोट किए हैं ये शेर कि किस तरीके से ये जो ये शायर जो हैं जब आपको ऐसे जो बेराहरवी आपको दिखाते हैं वो आपको आपके अंदर से वो दीन की रूह निकाल लेते हैं। और उसके अंदर हुस्ने बयान ऐसा है कि आम बंदा वो कहेगा वाह वाह वाह, तो मतलब कि यू नो ये यही है, इसी तरह ही कुछ ज़िंदगी होनी चाहिए। जिस तरह कि आप एक लाइफ ऑफ लग्जरी और डेकेडेंस को आप उसको बना दें कि वही लाइफ जो है आपकी ज़िंदगी का मकसद है, वो शायरी के ज़रिए वो हुसन परस्ती वो मटीरियलिज्म को ऐसा आप उसके ऊपर आप वो धो दें, यू नो वो मतलब कि जिस तरह वो बाबर का शेर है कि बाबर ब ऐश कूश के आलम दोबारे नीस, कि दबा के बाबर ऐश कर के, क्योंकि ये दुनिया जो है ये धाम यानी आई बाबर बादशाह का शेर है ये, वो शायरी उसने लिखी। सो एक तो ये चीज़ है कि अलामा की मकसदियत आपने जो है वो मद्देनज़र रखनी है जब अलामा को अगर आपने पढ़ना है, तो पहली बात जो ये है कि सारी उनकी जो है वो बुनियाद जो है खुदी की, एवरीथिंग इसके ऊपर है, इसी में से वो सारा जो है वो सिस्टम क्या निकलता है आपका आपका खुदी का। क्यों अलामा क्या कहते हैं कि खुदी का सिर्रे नेहा ला इलाहा इल्लल्लाह, खुदी का जो छुपा हुआ भेद है, जो खुदी की जो जड़ है, जिस जगह से वो ओरिजिनेट करती है वो इधर से करती है। इसी के ऊपर आपका सारा जो है वो इंडिविजुअल क्या और फर्द की और मतलब इनफरादी आप कह रहे हैं और इज्तमाई, बुनियाद यही है। और ये आपका पॉलिटिकल सिस्टम और वो थॉट
वो भी इधर से ही बुनियाद है, आपकी वो सोशल इकोनॉमिक, ये सारा कुछ सिलसिला जो है ये आप वो देख लें, और ये यू नो मतलब के रिलीजियस टॉलरेंस, इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे जब हम खिर्स तौहीद को पढ़ेंगे ना, तो हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे सर, और फिर आपको मैं वो लिंक करके बताऊंगा कि किस तरह ये चीज़ जो है, ये तौहीद जो है वो लिंक किस तरह होती है, आपको फ्यूचर में किस तरह लेके जाती है, वो आपको किस तरह वो ज़िंदा रहना सिखाती है मटेरियल वर्ल्ड के अंदर, उसको अपनी दस्तरस में करके, उसको छोड़ कर नहीं, किनारा कश हो के दुनिया से नहीं, उसमें रह कर जो है वो आपको किस तरह ज़िंदगी जो है वो गुजारनी है आपने, तो वो आपको ये चीज़ ला इलाहा इल्लल्लाह ही बताएगी। एंड द अदर थिंग इज़ दिस के ये जो ला इलाहा इल्लल्लाह जो है ये कंप्लीट जो होता है वो होता है फाइनैलिटी ऑफ प्रॉफिटहुड, आप वो भी आती है बीच में, हाँ वो इज अ मेजर थिंग। एंड द अदर थिंग इज दिस दैट ये हमें किस तरह हमारी जिंदगी का ये हिस्सा बन सकता है वो हमें कौन बताता है, ये सारी चीज़ें जो हमें वो सिखाते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह को इंटरप्रेट किस तरह करना है, वो आपके लिए एक लिविंग प्रिंसिपल आपकी ज़िंदगी के अंदर एप्लीकेबल हो के किस तरह आप एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ सोसाइटी आपने किस तरह रहना है वो रसूल अल्लाह सिखाते हैं। जिस तरह वो गालिब कहता है ना कि हक जलवे गर्ज तर्ज बयान मोहम्मद अस्त, कि जो हक जो है वो तो हमारे पर खुदा की शान जाहिर ही रसूलुल्लाह वसल्लम के अल्फाज से होती है, उन्होंने ही हमको बताया कि तौहीद क्या होती है और वो तौहीद की जो है वो आगे डायमेंशंस क्या हैं उसकी। सो ये चीज़ है कि ये आप जहन में रखें कि तौहीद इज़ लाइक वन ऑफ द फैक्टर्स जो कि आपको रखना चाहिए। एंड दूसरा जो है इसमें है ये इश्क इधर ही फिट होगा ना, ये जो लिंक है वो इश्क के थ्रू है, इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम, इश्क इज द उसको क्या कहते हैं आप वो समझें कि वो एक ऐसा मीडियम है, ये जो शेर है कि इश्क दमे जिब्राइल, के जो खुदा का पैगाम लेके आता है हज़रत जिब्राइल कुरान के अल्फाज खुदा से ला के रसूलुल्लाह को बताते हैं, तो खुदा की ज़ात जो कि इन्फिनिट है उस इन्फिनिटी को कंटेन करने का जो मीडियम है वो इश्क है। ये इस शेर को आप वो समझें कि इश्क दमे जिब्राइल इन्फिनिटी है, खुदा का एक लफ्ज़ भी जो है वो इन्फिनिट होगा, उससे हर चीज़ जो है वो इन्फिनिट होगी, मंसूब जो है इन्फिनिटी मंसूब, और वो जो क्रिएटेड जो भी चीज़ है जिब्राइल इज़ क्रिएटेड, जो भी चीज़ या शख्स या शख्सियत क्रिएटेड है वो इश्क के बग़ैर उसमें वो सलाहियत पैदा नहीं हो सकती कि वो उस बोझ को उठा सके। तो वह इश्क दमे जिब्राइल, इश्क दिले मुस्तफ़ा, यानी कि जो रसूलुल्लाह का दिल है वो भी इश्क है क्योंकि वो खुदा का पैगाम सहार लेते हैं। एंड मतलब कि ऑब्वियसली फिर आगे से क्या है, इश्क खुदा का रसूल, इश्क खुदा का कलाम जो है वो तो मतलब कि यू नो मतलब यानी कि वो जो तजल्ली थी खुदा की वो तो पहाड़ रेजा रेजा कर दिया, वो हज़रत मूसा बेहोश हो गए। तो वो चीज़ जब ट्रांसफ़र होती है
इस दुनिया के अंदर, जब आपके अंदर वो कैपेबिलिटी जो पैदा करती है, आपको जो सलाहियत देती है, वो इश्क है। वो अल्लाह ताला कहता है कि भाई मैं पूरी कायनात में नहीं समा सकता, लेकिन एक मोमिन के दिल में समा सकता हूँ। वो किस तरह समा सकता है, वो ये है, किस तरह आप वो जो है, यानी कि यू हैव टू, एक चीज़ तो जो हारिस वो क्वेश्चन पूछ रहा था विद द मटीरियल वर्ल्ड का, वो वलीद से यू थिंक इज कि ये सारा का सारा जो है, ये आपको ये क्या बता रहा है, ये आपको खुद ही जो है वो आपको लिंक कर रही है ऑफ विद द मटीरियल वर्ल्ड। वो आपको किनारा कश नहीं और कर रही, वो आपको रहना सिखा रही है इज्तमाही तौर पे, आपने इन प्रिंसिपल्स के ऊपर वो इम्प्लीमेंट करना है। जब इन प्रिंसिपल्स की बात आती है तो खुद एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं रहती, वो प्रैक्टिकली आके प्रैक्टिकली हो जाती है ना। बिल्कुल, वो ये सारा कुछ देखे, ये लिंक्ड है। जब आप इकबाल को पढ़ेंगे ना तो यू हैव टू लाइक, वो जिस तरह वो होता है ना, वो एक वो एक ऑर्गेनोग्राम और वो इस तरह जो गार्डन हो, एक ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर जो है वो बनता है। तो इसके अंदर जो है वो मतलब के वो तौहीद है, इसमें जो है वो रसालत है, हैं, और इसमें जो है वो मतलब के वो अल्लाह यानी आपका वो कुरान आ गया, इसमें आपका जो है वो सोशियोलॉजी आ गई, ठीक है, इसी के अंदर आपका वो है वो इकोनॉमिक्स आ गई। ये सारा कुछ लिंक्ड है भाई, ये चीज़, ये आप ये समझें कि सिर्फ ये हम पढ़ के तो इकबाल को समझ गए, कोई ज़रूरत वो आप बिल्कुल नहीं समझे। आप ये सारा कुछ कनेक्टेड है, इसमें से एक चीज़ भी आप अगर निकाल देंगे तो आप फारे हो जाएं। इसी के अंदर आप वो ब्रांचेस देखते जाएं, फिज़िक्स आ गई, साइंस आ गई, क्रिएटिविटी आ गई, थियोलॉजी आ गई, स्पिरिचुअलिटी आ गई, तसव्वुफ आ गया, सारा कुछ इसमें आता है। और ये सारा का सारा जो है वो इसी तरह जो है वो लिंक होता है। सो मैं अलामा के सारी जो है वो फ़िक्र को एक एज ए ऑर्गेनिक होल देखता हूँ। उसको आप वो ये नहीं कर सकते कि आप एक चीज़ को निकाल दें और उसको आप वो फारग कर दें और ये एक चीज़ को ले लें, आप कहें कि बस मैंने तो वो किया है। और ये हमारे वो यही करते हैं कि जब खुद ही को एक्सप्लेन करते हैं तो हारिस एब्सोल्युटली राइट, वो सिर्फ एक स्पिरिचुअल एंगल को ले लेते हैं। वो स्पिरिचुअल एंगल को लेके वो कहते हैं बाकी दुनिया जो है वो उससे कोई कंसर्न नहीं है, ये है वगैरह वगैरह है फलाना ढमकाना। तो बाकी आप ये इसमें आप ये देखें कि अलामा का ही शेर है जिसमें वो कहते हैं कि काफिर बीदार दिले पीशे सनम बेहज मुसलमानी के खुफ्ते दर हरम, कि ऐसा काफिर जो कि अपने बुत के सामने यानी कि अपने खुदा से आगाह है, वो उस मुसलमान से बेहतर है जो कि हरम के अंदर सोया पड़ा, यानी कि वो गाफिल है खुदा से। तो ये अब आप ये देखें कि आपके ख्याल में कोई इस्लाम से पहले जो है को आपने अल्लाह ताला के आशिक पैदा नहीं हुए किसी मज़हब के अंदर, हर मज़हब में हुए। ये हिंदुज़म में आप वो देख लें, ये भर्तरी हरी अलामा ने उसको इतना उनको कोट किया हुआ है। और दूसरी बात यह है कि भर्तृहरि के बारे में ये मशहूर है कि वो तौहीद परस्त थे और उन्होंने किसी कभी बुत को सजदा नहीं था किया। अब वो इस्लाम से पहले के थे, वो ही वॉज नॉट मतलब के पोस्ट इस्लाम। सो ये उस सेंस में आप इसको देखें कि अगर आपका खुदा के साथ जो है दिल जुड़ा हुआ है तो फिर मतलब कि यानी कि यू कैन बी बिलोंग टू एनी अदर। यार वो देखे ना, काफिर होने का आप तो अपने एक दूसरे के फिरकों को काफिर कहना शुरू कर दिया आपने, मतलब कि हाँ हर वो तो काफिर है वो फलाना ढमकान। आप काफिर किसी को कह ही नहीं सकते अगर वो दो चीज़ों के ऊपर जो भी किसी का इतकाद कायम है, तौहीद के ऊपर और फाइनलिटी ऑफ प्रॉफिट रूट के ऊपर, उसके वो नज़रिया जो मर्जी हो, गलत हो सही हो, आप उसको नॉन मुस्लिम नहीं कह सकते। हाँ, काफिर कह देते हैं वो सुन्नी शियों को, शिये सुन्नियों को, सारों को एक दूसरे को काफिर कह। हाँ,
सो दूसरी चीज़ जो है आपको जो जो है वो यही आखिर वो उसमें आ ही गया कि वो रसालत को जो है आपको मद्देनज़र जो है वो रखना चाहिए। अब ये भी आपको उसके तौहीद के ही मैं उस पर मैं वो समझाऊँगा कि रसालत किस लिए जो है वो आपको आगे किस तरह लेके जाती है, फ्यूचर के अंदर किस तरह लेके जाती है, आपकी सिविलाइजेशन को किस तरह बिल्ड करती है, ऑन बेस्ड ऑन व्हाट, ऑन तौहीद। देखें ये जो पैगंबर होते हैं ना, ये वो कहते हैं कि जो भी पैगंबर किताब लेके आता है वो पैगंबर ख़ुद उस तरह बन कर दिखाता है, क्योंकि सिर्फ अगर खुदा किताबें ही भेजनी होती तो एक किताब आपको दे दे वो आपके ऊपर असरअंदाज उस तरीके से नहीं होती जब तक आप एक लिविंग पर्सनैलिटी को नहीं देखते। जिस तरह के रसूलुल्लाह वसल्लम की एक लिविंग पर्सनैलिटी है, उनको हम वो कहते हैं कि वो सरापा कुरान थी उनकी ज़िंदगी जो है, तो वी नो के दैट इट्स डूएबल। उन्होंने आपको करके दिखाया उसको, तो अलामा का कोई एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जो किसी ह्यूमन बीइंग ने ना किया। बाय द वे ये भी आप ज़हन में रखिए, फरिश्ते नो तो आपको, फरिश्ते नो तो आपको सजदा किया हुआ है भाई, किसी और मखलूक से तो नहीं करेंगे। बिल्कुल। सो ये मतलब दूसरा चीज जो है वो आप रसालत को आप मद्देनजर रखें, ठीक है। ये असरारे खुदी में आप पढ़ेंगे कि जब वो इश्क की बात होती है कि जब अलामा कहते हैं कि इश्क जो आपको गाइड करता है और सारा कुछ जो है, लेकिन उसके लिए जो महबूब जो है एक चाहिए, और वो महबूब जो है वो तुम्हारे दिल में मौजूद है और मैं तुमको कौन बताता हूँ वो कौन है, और वो महबूब आपका है। एंड दैट इज़ वो खुदी की बुनियाद जो है, यानी कि वो इश्क़ रसूल से मजबूत होती है। बिकॉज ये चीज़ भी आप ज़हन में रखें कि वो अलामा जो है वो कहते हैं कि जो रसूलुल्लाह वसल्लम का रास्ता है किसकी तरफ, खुदा की तरफ, यही रास्ता सही है। उनके रास्ते के अलावा कोई भी जो रास्ता है आप मुसलमानों के लिए या आपका अपना वो तख्लीक करदा वो सही नहीं है। इसलिए अलामा वो कहते हैं कि अज हदूद मुस्तफ़ा बीरून मशा, के रसूलुल्लाह की हद से बाहर ना हो, ना जाओ, हाँ उन्हीं के ही रास्ता जो उन्होंने बताया है उसी के ऊपर चलना है। बहरहाल वो हर फिरके का एक अपना रास्ता जो है वो बन गया हुआ है, लेकिन आप अलामा का रास्ता भी आपको देखें जो कि इसमें कोई फिरका वारियत नहीं है, वो ट्रांसेंड करता है ये जो भी वो आपको रास्ता बताते हैं, और ये वो रही रास्ता है तौहीद का, जो रसालत का, किस तरह जो है आपने उसके ऊपर चलना है। देखें बात ये है कि हमारे ये जो मिसालें इन बच्चों को जो इधर पढ़ते हैं उनको पता ही है कि हम जिस तरह वो कहते हैं जी कि हमने तो अल्लाह ताला को जो है ना जी बस उसको जानते हैं, वो तो रहमान और रहीम है, और हमने जाके तो जो है वो माफ़ी मांग लेनी है और उसने हमें माफ़ कर देना, तो वही ना वो क्या अदल करी ना इंसाफ करी मेरे मौला बस मैनू माफ़ करी। अब ये आपकी शायरी है, आप बड़े महसूस होते होंगे इसको सुन के, आप वो झूमते होंगे कि पता नहीं बड़ा सूफियाना गाना है क्या बात है, लेकिन द थिंग इज़ दिस कि आपने उसकी एक सिफ्त ले ली रहमान की, उसके बरअक्स आपने उसकी 98 सिफात को जो है एट्रीब्यूट्स को उनको डिनाई कर दिया कि मेरा उनसे कोई ताल्लुक नहीं है, मैंने तो बस ये जो है वो पकड़ लिया उसने, और देन यू गिव योर सेल्फ द अथॉरिटी टू डू एवरीथिंग रॉन्ग इन योर लाइफ, और अपनी ज़िंदगी भी तबाह करनी है, दूसरों को भी आपने जो है वो नुकसान पहुँचाना है। तो मकसद कहने का ये है कि आपका वो इक्वल होना चाहिए है 99 जो भी खुदा की हमको एट्रीब्यूट्स बताई गई हैं उसमें, आप उसमें से चूज़ करके अपनी पसंद की जो है एट्रीब्यूट्स निकाल के कहें जी बाकी फारिग हैं, तो ये भाई तौहीद नहीं है, ये शिर्क है। आप उसकी किसी भी
एट्रीब्यूट को डिनाई नहीं कर सकते। तो ये भी आप वो तौहीद जब सीखेंगे, यू विल रियलाइज कि हमारे में मोस्ट ऑफ अस आर नॉट इवन अवेयर ये तौहीद का कॉन्सेप्ट क्या है। और जब हमारा तौहीद का कॉन्सेप्ट ख़राब होता है, वो हमारी लाइफ में एक्शंस को इफ़ेक्ट करता है, वो हमारे एक्शंस उसके मुताबिक होते हैं, और वो ऑब्वियसली जो है वो क्योंकि इस रास्ते से हटे होते हैं तो वो आपको गलत डायरेक्शन ही लेके जाते हैं। ये तो एक सरसरी आपसे बात कर रहा हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ जो है वो अलामा का जो है वो कोई जो चीज़ है वो आपने जो है वो ये ज़हन में रखना है, कुरान को। और अलामा जो है ये अपनी इसी आई थिंक रमूज़ बेखुदी में ये वो बात वो करते हैं कि गर दिलम आईनाई बी जौहरास्त वर बे हरफम गैर कुरान मुजमरस्त ऐ फरूगत सुबह आसारो दहूर चश्म तो बी नंदाए माफिस सुदूर पर्दाए नामू से फिक्रम चाक कुन इन खयाबान रा असखारम पाक कुन तंग कुन रखते हयात अंदर बरम अहले मिल्लत रा निगहदार अस शरम रूज़ महशर खारो रुस्वा कुन मरा भी नसीब अज बूसाए पाक कुन मरा। अलामा का ये दावा है कि मेरा एक लफ्ज़ भी जो है फ़िक्र का, शायरी या वॉट एवर जो भी है, एक लफ्ज़ भी जो है वो कुरान से बाहर नहीं है, ये उनका दावा है। और ये जो मैंने अशार आप वो पढ़ते हैं, ये उन्होंने रसूलुल्लाह वसल्लम से ख़िताब किया हुआ है, और रसूलुल्लाह को जो है वो कहते हैं कि मेरा दिल जो है अगर वो एक बेजौहर एक ऐसा आईना है जिसके अंदर कुछ वो आपको कुछ दिखाई नहीं सकता, अगर मेरे हर्फ के अंदर कुरान के अलावा कोई हर्फ जो है मेरी फ़िक्र के अंदर हो तो आपकी ज़ात जो के वक्त को पैदा करने वाली है, आपकी वो आनात हैं लम्हे आपकी ज़ात के अंदर इटर्निटी और टाइम और वगैरह, तो आपकी आंख जो है वो तो देख सकती है सीनों के राज लोगों के जो है वो जानने वाली ज़ात है आपकी, तो अगर मेरा कोई हर्फ कुरान से बाहर हो तो फिर जितनी मेरी फ़िक्र है जितना मेरा पैगाम है इसको आप फाड़ के या इसको आप तर्क कर दें इसे, यानी कि रिजेक्ट कर दें, और इस दुनिया को इस उम्मत को जो है इन खयाबान असखार मेरे जैसे कांटे से जो है इस चमन को पाक कर दें आप, और मेरे लिए जो है वो ज़िंदगी तंग कर दें, मेरे लिए ज़िंदगी तंग कर दें, यानी कि यू नो बस मुझे धत्कार दें आप जो भी है, और पूरी जो मिल्लत है उनको जो है वो मेरे से आप महफूज रखें। और फिर अपने लिए और जो वो सज़ा जो है तजवीज़ देते हैं कि क़यामत के क़यामत के रोज़ मुझे सारी उम्मत के सामने जलील और रुस्वा कर दीजिएगा, और मुझे अपने कदमों के बोसे से महरूम कर दीजिए। लेकिन आप ये देखें कि कुरान को जो हैं वो दो तरीके हैं वो समझने के, एक तो जिसको आप वो तकलीदी सोच से आप देख सकते हैं, और दूसरी जो है इज्तिहादी। कुरान भी और इस्लाम भी, तो अलामा को आपने अगर समझना है तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी, उनका इज्तिहादी नुकरा। इज्तिहाद की क्या होता है, जिस तरह वो
जो अहमद जवेद साहब ने मुझे एक दफ़ा वो बताया था, बड़ी एक 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 बिल्कुल सिंपल टर्म्स के, तकलीदी और इज्तिहादी सोच के अंदर क्या फ़र्क है। तकलीदी सोच वो है जब आप वो कुरान के मतन में गिरफ्तार हो जाएं, मतन के अंदर रह जाएं, मतन से बाहर ना निकल सकें, ठीक है ना। और इज्तिहादी सोच वो है जब आप उस मतन के ज़रिए उसकी बात की या कुरान की हिकमत तक पहुँचें। हाँ, तो तकलीद की सोच जो है वो क्या करती है आपके अंदर, वो आपके अंदर प्रोग्रेस को रोकती है, वो क्रिएटिविटी आपके अंदर, कुव्वत तखलीक जो है वो ख़त्म करती है। वो देखना, दुनिया तो चलती जा रही है, मसाइल नए से नए निकलते आते हैं, तो उनका रास्ता जो है आपने वो किस्में है, वो इसमें तलाश करना है, कुरान के अंदर, उसके मतन के अंदर जो है वो अलामा जसरा वो कहते हैं कि ये जो जावीद नामा में कहते हैं ना कि जो है वो कुरान की एक एक आयत के साथ 70,000 ज़माने जो हैं वो लिमटे पड़े हैं, तो तुम्हारे लिए एक ही ज़माना उसमें से काफ़ी है अपने लिए। लेकिन उसको आप वो किस तरह जो है वो आप इस इज्तिहाद की तरफ जो है वो फिर वो पढ़ेंगे कि इज्तिहाद की जो अलामा कहते हैं रसूलुल्लाह अपने ज़िंदगी में इजाज़त दी थी। एंड द अदर थिंग इज़ दिस कि वन ऑफ द थिंग्स जो कि इस्लाम के बारे में वो अलामा कहते हैं कि इस्लाम वाज द कमिंग ऑफ इस्लाम मेंट द बर्थ ऑफ इंडक्टिव रीजनिंग, रीजनिंग थी या इंटेलेक्ट, ये इंडक्टिव रीजनिंग जो है इसी से ही इज्तिहाद की सोच या आप कुरान की हिकमत तक आप वो पहुंच सकते हैं। जो डिडक्टिव जो एक वो कहते हैं, दो ये आपकी वो रीजनिंग्स होती हैं, डिडक्टिव जो है वो आपको तकलीद की तरफ लेके जाएगी और इंडक्टिव जो है वो आपको इज्तिहाद की तरफ लेके जाएगी। यानी कि आप में वो देखना, अब इसमें मिसाल इस तरीके से है कि वो अब जब आप इज्तिहाद के ऊपर वो देखेंगे तो बहरहाल हम उस तरफ ज़्यादा आगे वो निकल जाएंगे। लेकिन बहरहाल आप सिर्फ अभी ये रखें कि आपने लामा को पढ़ना है तो इस जहन से पढ़ना है। नहीं, वो तो देखे ना, वो तो जो आप वो पढ़ रहे हैं वो सारा का सारा रिलेट तो जो है इकबाल का तो इसके साथ हुआ है। देखो ना, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ कि वो जो कुरान के अंदर वो जो जो दो बातों का जिक्र होता है जिसमें अल्लाह ताला कहता है, एक जगह पे कहता है कि मैंने 6 दिन में ये सारी कायनात बनाई, ठीक है ना, और दूसरी जगह पे वो कहता है कि मैंने कुन फयकून का तो सारी कायनात बन गई। तो बज़ाहिरन तो जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रही एक दूसरे को चीज़ नहीं ना, वो 6 दिन की वहाँ पे बात कर रहा है, यहाँ पे कह रहे हैं कि इस तरह पलक झपकने में मैंने सारा कुछ बना दिया। तो अलामा इसको आयतों को इस तरह वो इंटरप्रेट करते हैं कि वो कहते हैं कि जो अल्लाह ताला जो बात कर रहा है कि मैंने 6 दिन के अंदर कायनात बनाई, वो सीरियल टाइम की बात कर रहा है। और जो वो कह रहे हैं अल्लाह ताला के मैंने कुन फयकून कहा और सारा कुछ जो है वो बन गया, वो रियल टाइम की बात कर रहा है। और उसमें फिर आप वो वक्त की और ज़मान व मकान की जो है उसमें जब जाएंगे वो ज़रा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह जो है वो एक आपको किसी आलिम ने तो ये बताया नहीं होना कभी, ना आपने कभी सुना होना, ना आपके दिमाग में ये बात आई होगी। लेकिन ये जो तुम वो बात करते हो कि उसको किस तरह आप अपने ज़माने से और किस तरह जो आप वो लिंक कर सकते हैं, दी अदर थिंग इज़ के वो आगे खैर वो चीज़ भी आएगी कि जिस तरह सूरह इखलास की अलामा ने जो है वो उसकी वो ताबीर की है उसकी, कि सूरह इखलास जो है
वो आजकल के ज़माने में किस तरह आपके लिए किस एंगल से एप्लीकेबल है। वो हम सूरह इखलास पढ़ते हैं, 1400 साल से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन वो सूरह इखलास के अंदर जो है वो सारा तौहीद का, आपकी मिल्लत का पैगाम निकालते हैं उसके अंदर से, इज्तिमाई, क्योंकि उसकी ज़रूरत है। आप में फटे हुए हैं आप एक दूसरे से, बरादरी के ऊपर, फ़िक़े के ऊपर वगैरह वगैरह, सुबाइयत के ऊपर आप फटे हुए हैं। पूरा आलम इस्लाम जो है वो एक दूसरे से फटा हुआ है। तो वो आपको वो बताते हैं कि सूरह इखलास पढ़नी, तो उसमें से सबक ये हासिल करो। अच्छा, अब ये देखें कि अब ये इस्लाम का, अब आप ये देखें इस्लाम का जो है वो डेफिनेशन, व्हाट डू यू थिंक इस्लाम इज़, आप किस तरह डिफाइन करते हैं इस्लाम को? कोई कहेगा कि इस्लाम जो है वो ये है कि अज्ज है, कोई इंकसारी है, कोई जो है बस उसके वो अल्लाह ताला में वो मान लिया तो, और यू नो फरिश्तों में, और इस तरह कुरान की आयत भी है, वो है, वो ईमान है आपका, लेकिन व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इस्लाम एज ए रिलीजन, उसकी मकसदियत क्या है? जो आप जितनी भी आप वो बात कर रहे हैं वो किस तरफ लेके जा रही है आपको, ये जो है आपकी उसकी वो उसकी डायरेक्शन क्या है? मतलब कि अगर इबादत ही अल्लाह ताला को सिर्फ चाहिए थी तो उसके लिए तो फिर फरिश्ते काफ़ी नहीं थे? उन्होंने को नाफरमानी भी नहीं करनी, हर वक्त उसकी हमदो सुनाई करते रहनी, और उन्होंने तो अल्लाह ताला को कहा था ये बंदा ना बनाई, इन्हें बड़ी ख़राबी करनी। तो वॉट एवर आप जाके गूगल करिएगा, जो कि आपके उलमा की जो भी डेफिनेशन है, तो अलामा कहते हैं कि जो इस्लाम है इट इज़ अ रिलीजन, इट इज़ नॉट अ रिलीजन इन द एंशियंट सेंस ऑफ द वर्ड। एंशियंट सेंस जो है, अब आप वो देखेंगे रिलीजन के एंशियंट सेंस के अंदर रिलीजन का क्या था, वो क्या हर एक का कोई डिफरेंट ही होगी मेरे ख्याल में, लेकिन वो इसमें आप वो भी कह सकते हैं जो प्लेटो का वो कॉन्सेप्ट आ जाता है, क्योंकि वो ये आगे जो अलामा कहते हैं, वो अलामा कहते हैं कि ये इस्लाम एक एंशियंट सेंस ऑफ द वर्ड में रिलीजन नहीं है कि जो एक आम दूसरी रिलीजन हैं, इट इज़ एन एटीट्यूड, रवैया, एक रवैया है लाइफ का, जो आपको कहते हैं कि ज़िंदगी इस तरह गुजारनी है, वो रवैया है। वो क्या है? एन एटीट्यूड दैट इज़ टू से ऑफ फ्रीडम, जिसको हम क्या कहते हैं, हुर्रियत। और ये भी उसमें खुद ही की डिस्कवरी के अंदर डेवलपमेंट में ये बहुत प्ले करती है ये बात जो है उसका। एंड इवन डिफाइंस टू द यूनिवर्स, अब ये देखें ये एक बिल्कुल इज्तिहादी नुक्ता नज़र है। अब ये आप वो कहेंगे यार इस्लाम का क्या तअल्लुक है यूनिवर्स को डिफाई कर रही हो, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट डिफाइंस ऑफ द यूनिवर्स? वो कहते हैं कि इट इज़ रियली अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एंटायर आउटलुक ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड, कि जितना भी एंशियंट वर्ल्ड है इस्लाम से पहले का, उनकी जो भी कोई माइंडसेट जो भी दुनिया का बना, वो कह रहे हैं इट इज़ अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दैट। अब इसमें आप वो ले सकते हैं कि अगर आप वो पढ़ा हो आपने कि जिस तरह जो वो प्लेटो का जो कॉन्सेप्ट है जो सबसे बड़ा आपको कंसिडर किया जाता है, द फादर ऑफ यू नो ह्यूमन जो है वो जो है फिलॉसफी, तो उसका जो एक मेन जो नुक्ता नज़र था वो कहता था कि जो रियल वर्ल्ड है वो इमेजिनेशन के अंदर है, वो इमेजिनेशन में है, यानी के अदर वर्ल्ड,
मेटाफिजिकल, ये हम भी बड़ा करते हैं ना जी, अदर वर्ल्ड। वो जो अदर वर्ल्ड हमारा जो है वो कहाँ से आया? वो इधर से आया, मिस्टर प्लेटो से, अफलातून से आया है। अब आप ये देखें कि वो कह रहा है कि ये जो ह्यूमन बीइंग्स का वर्ल्ड है ये असली नहीं है, असल वर्ल्ड वही है जो को मरने के बाद आपको मिलेगा। आपको आपके आलम दीन क्या पढ़ाते हैं? वो आपको यही कहते हैं कि ये असली दुनिया नहीं है, इधर जो है वो जुल्म बर्दाश्त करते जाओ, सारा कुछ करते जाओ, तुम्हारी किस्मत ऐसी है, असल दुनिया जो है ना वो तुम्हें इधर मिलेगी जाके, हूरें यहाँ पे मिलेंगी, सारा कुछ जो है वो इधर मिलेगा जाके, इधर कुछ नहीं है। ये दुनिया जो है वो कहता है कि ये दुनिया क्या है, बेकार है, है ना, मीनिंगलेस कहते हैं ना वो उसको, इसके दुनिया के फानी है, तबाह हो जानी, कुछ नहीं, इसकी बेकार ही है ना, मतलब कोई इसका जो है ये कोई को मानी रखती ही नहीं है, बेमकसद है ये दुनिया। ये आप जब जाके सुनते हैं ये जुमों के अंदर खुतबे जो हैं, ये कहते हैं या नहीं कहते बताएं मुझे, कहते हैं या नहीं कहते? कुरान क्या कहता है? कुरान कहता है कि मैंने किसी चीज को या इस दुनिया को बेमकसद पैदा नहीं किया। तो ये डायरेक्ट कॉन्ट्रडिक्शन है कि नहीं कुरान के अल्फाज की? 100% बताएं, ये किसी को कुछ शक है कि जो है वो अल्लाह ताला के वो आयत खोल के देख ले जिसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये मैंने कायनात बेमकसद पैदा नहीं की। और वो मिसालें किस चीज़ की दे रहा है कि मैंने शहद की मक्खी को भी वही की, सूरह वो नहल उसके अंदर मकड़े का भी जिक्र है, छोटी सी छोटी चीज़ का भी, जिसको भी आप वो दे लें वो आप वो देखें कि उसकी जो है कोई ना कोई मकसदियत है, अपने ज़ात में नहीं तो होल के अंदर। सो जब आपको ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा जो अलामा कहते हैं जिसने तबाह किया प्लेटो के इस कॉन्सेप्ट ने, कि उसका असर जो है वो किसके ऊपर चला गया? इस्लाम के ऊपर चला गया। सिर्फ इस्लाम के ऊपर नहीं, दूसरे मजहब के ऊपर भी गया, हिंदुइज्म, जुडेज़म, क्रिश्चियनिटी, जैनिज्म, हर चीज़ के ऊपर जो है वो चीज़ वो उसका असर तारी हुआ। लेकिन इस्लाम के ऊपर जो था ये आप वो देखें कि आपके सामने टेक्स्ट है, खुदा कह रहा है कि ये दुनिया मैंने किसी मकसद के तहत पैदा की है, तुम्हें किसी मकसद के तहत मैंने पैदा किया। वो आपको जो है वो आपके आलम ये सिखा रहे हैं कि ये दुनिया बेमकसद है, इधर इसको आप छोड़ें, सिर्फ वो आप उधर जाएँ। एग्जैक्टली कि जो आपका अमल जो है वो इस दुनिया के अंदर होगा उसका जजा जो है वो इसके ऊपर डिपेंड करेगी। तो इसमें आप ये देखें कि ये जो चीज़ है कि आपको जो मकसदियत जो है वो बहरहाल वो बात वो किधर चली गई, तो अलामा वो कह रहे हैं कि जो इसको मिटाना कि फाइनली व्हाट ही सेज इज़ इस्लाम जो है उसका मकसद ये है, वो आपको कहता है कि व्हाट इस्लाम इज़ आपका कुरान इस्लाम सारा कुछ जो है आपको सिखाता है कि आपकी डिस्कवरी किस तरह होगी, वो किस किस्म का आप एटीट्यूड ऑफ लाइफ जो है वो आप वो बनाएंगे कि आप अपने आप की डिस्कवरी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो वो जो एटीट्यूड ऑफ लाइफ जो है वो कैसा होना चाहिए वो आपको खुदी के दर्स के अंदर आपको मिलेगा कि ऐसा आप
इस्लाम की इस सोच को, इस इज्तिहादी सोच को आप मिलाएं जो है वो फॉलो करेंगे तो आप अपने आप को सेल्फ डिस्कवर कर सकते हैं। ये मैंने आपको शुरू में बताया था, ये बच्चे खैर कब कुछ नहीं थे, लेकिन वो कुरान जो है वो दोनों चीज़ें कहता है कि इंसान जो है वो तो वो जाहिल है, अजूल है, मतलब यू नो उसके बहुत सारी उसकी वीकनेसेस हैं, लेकिन जो है वो खुदा का नायब बनने का भी अहल है। इसका मतलब ये है कि अगर वो घटिया से घटिया भी जो है वो शख्सियत बन सकता है तो आला से आला भी बन सकता है, और वो आला से आला किस तरह बन सकता है, वो जब तक अपने अंदर ये खुदी की सलाहियत को जो है डेवलप नहीं करेगा, उस रास्ते को फॉलो नहीं करेगा, तो वो खुदा की नियाबत इलाही का अहल नहीं बन सकता। तो आपको एक ऐसा रवैया आपको अपनाना होगा जो को आपको सेल्फ डिस्कवरी की तरफ आपको लीड करे आपको, और वही जो सेल्फ डिस्कवरी है वो खुद ही जो है वो इंडिविजुअल के लिए असरार है और कम्युनिटी के लिए रमूज है। बस हैं क्या असरार और रमूज उन्होंने इकट्ठी कर दी है, लेकिन ये दोनों अलग किताबें लिखी गई थी। असरार खुदी जो थी वो लिखी गई थी इन 1915। हाँ मतलब ये मैंने शॉर्ट किया है, असरार खुदी या रमूज बेखुदी मैंने नहीं लिखा आगे से, ये ऊपर इसको असरार खुदी ऐड कर लें, इसमें वो रमूज के आगे बेखुदी ऐड कर लें। सो एनी वे द थिंग इज दिस कि ये चीज़ें आपको मद्देनजर रखें अगर आपने इकबाल को समझना है, वो आपके जो ऐसे नज़रियात जो आप अपने कोई दादा नाने से लेके आ रहे हैं ना, अपने आबा अजदाद से, वो काफ़ी सारे उनमें से आप रियलाइज करेंगे कि वो गलत हैं। जिस तरह मैंने आपको वो मिसाल दी है कि वो कह रहा है कि ये दुनिया बेकार है, खुदा कह रहा है कि ये मैंने बेमकसद नहीं पैदा किए, तो किस तरह वे मुताबिकत है, मुझे तो समझ नहीं आती कि ये वो आलम दीन है जो कि हमें कुरान या स्कॉलर्स जो भी हैं हमें कुरान जो है वो उसकी तालीम देते हैं वो, और फिर हमें ये दर्श देते हैं कि जी आप जो है वो सब कुछ जो है वो बर्दाश्त करें और जुल्म भी बर्दाश्त करें और ये भी छोड़ दें, फलाना भी कर दें, खुद जो है उनके जो है वो है ए, आप उसको देखें उस सेंस में आप वो ना लें। इधर उसका जो है ये सवाल जो है हारिस का भी वो आता है कि भी वो धोखा किस तरह हो गई, ये वो इन द सेंस, अब आप वो जब वो फ़क्र का कॉन्सेप्ट वो आप वो पढ़ेंगे, देखिए सारा जो इकबाल का फ़लसफ़ा ना वो है गॉड मैन एंड यूनिवर्स, तो ये चीज़ें जो हैं आपकी एक तरीके से आप लिंक्ड हैं खुदा के साथ, आप लिंक्ड किस तरह हैं, उसने आपके अंदर अपनी रूह फूंकी हुई है, उसकी भी बहुत सारी सिफात आपके अंदर मौजूद हैं जो उसके अंदर मौजूद हैं। खुदा रहम करता है, इंसान भी रहम करता है, खुदा मुसव्विर है तो इंसान भी मुसव्विर है, फ़नून लतीफ़ा में आप वो देखें, अपने अपने आर्टिस्ट देख लें, चुगताई को देख लें, सादकैन को देख लें, तो वो खुदा की जो सिफ्त है अल मुसव्विर की वो उनके अंदर सबसे ज़्यादा बड़ी हुई है। खुदा खालिक है तो आप भी तख्लीक करती हैं, देख लें इंसान नहीं बनाई, मुसलमानों ने शायद नहीं बनाई लेकिन इंसान ने बनाई है, बाय द वे तख्लीक इंसान की है। तो ये जो एक रिलेशनशिप है जो अगर आप जब वो मटेरियल की वो बात करते हैं तो वो कहते हैं ना, वो तो खुदा को उड़ा देते हैं ना बीच में से, वो कहते हैं वो मैन है और यूनिवर्स है, जब आप उस तबीर में चले जाते हैं तो फिर वो आपको ज़िंदगी ही बेमकसद हो जाती है।
मकसदियत नहीं रहती, फिर तो मैटर ही मैटर है, उसकी खातर करें आप फिर वो जो है वो आई मीन यू नो दैट ह्यूमैनिटी भी आप रगड़ देंगे बीच में सारी, जिस तरह अभी भी करते हैं हम, दीन के बावजूद होते हुए भी हम वही करते हैं, नमाजें भी पढ़ते हैं, हज पे भी जाते हैं, रोज़े भी रखते हैं, एंड देन वी डू ऑल दोज थिंग्स जो कि इस सारे मामले को अपसेट करती हैं। सर फिर ये जो कुछ एथिस्ट हैं, ये हमारे जो सूफीज सर, ये अगर देखा जाए कि एक मुमासलत है ना, कि ये दोनों इस ट्राइका में से दो दो चीज़ों को पकड़ लेते हैं। हमारे सूफीज कहते हैं सिर्फ मैन और गॉड है, यूनिवर्स बेकार है। हाँ ये देखे ना, ये आपका जो है वो सूफीज्म का वो ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये बिल्कुल बेकार है, ठीक है ना, या मतलब यूनिवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता ही नहीं है वो। अच्छा कुछ आपके जो हैं वो ये कहते हैं कि सिर्फ खुदा है, यानी कि ये यूनिवर्स भी खुदा ही है, जो आपका वहदतुल वजूद का जो राइज कॉन्सेप्ट है वो इसी किस्म का है कि मैटर भी जो है वो भी खुदा है, यानी कि जो कुछ ये यू भी पड़ा है वो खुदा ही खुदा है। तो उसके अंदर भी ये सारी बहसें अलामा ने डिस्कस किया कि अगर आप ये ऐसा कॉन्सेप्ट को आप वो फॉलो करते हैं तो फिर तो वो किसी चीज़ की कोई तमीज़ ही नहीं रहती, अच्छाई और बुराई तो फिर रहती ही कोई नहीं। हाँ वो सारा कुछ वो ख़त्म ही हो जाता है, जजा सजा भी ख़त्म हो जाती है सारा कुछ। तो उसके जब आप अंदर वो डाइव डाउन करेंगे तो और बहुत सी जो है इस किस्म के सवालात उभरते हैं और जो भी इतराजात हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वहदतुल वजूद का जो है वो तरीका हमारे मुसलमानों में राइज नहीं, बिल्कुल राइज है और मेरे ख्याल में शायद मेजॉरिटी में हो इस वक्त, लेकिन बकौल अलामा के ये वहदतुल वजूद की जो इनकी अंडरस्टैंडिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, वो आपको बेअमली की तरफ लेके जाती है, यानी कि आपको तारिक को दुनिया कर देती है, आपको मोनेस्टिसिज्म की तरफ लेके जाती है। हाँ तो अलामा ऐसे तसव्वुफ के कायल थे जो तसव्वुफ आपको अमल की तरफ लेके जाता है, और वो है वो उन्होंने वो डिफ़ाइन किया भी हुआ है, वो आठ या दस चीज़ें ऐसी हैं कि ये इस ये अगर उसमें सिफात हैं तसव्वुफ में तो ये अगर हैं तो ये अन इस्लामिक है, और अगर जो इस्लामिक तसव्वुफ है उसकी ये एट्रीब्यूट्स, उसकी ये सिफात हैं उसके अंदर।